हे एवरी वन वेलकम टू एन अकेडमी एंड आई होप लिंग एप सेल्यूटली ऑसम उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और ऐसी सीरीज के साथ जो आप लोगों की लेट्स क्रैकेट जर्नी को और भी ज़्यादा आसान बनाएगी गुड इवनिंग एवरी वन हेलो इतने भी लोग जुड़ रहे हैं सबको हेलो फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आज का सेशन होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जर्नी का हेलो एवरी गुड इवनिंग गाइस गुड इवनिंग हेलो सबको हेलो जितने भी लोग आ रहे हैं सबको हेलो ओके स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को uh, देरी नहीं करेंगे ओके सो गाइस दिस इज यूपीएससी के जो प्रिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है चाहे वो 2020 का होने वाला हो या आगे 2021 वाला आने वाला हो उन दोनों ही प्रिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ये हम लोगों ने आपके लिए स्पेशल एम सीरीज स्टार्ट की है जो एम सी है वो आपके डेली करंट अफेयर्स से होंगे मतलब जो आपका द मोस्ट फेवरेट द हिंदू न्यूज है जिसको आप लोग डेली सुबह पढ़ते हो उसी से रिलेट करते हुए यहां पर आपको एम दिए जाएंगे दैट टू ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स इसके साथ साथ जो ये करंट अफेयर्स हैं जब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उन चीजों का बेसिक्स भी हम लोग कवर करेंगे सो so, डेली बेसिस की सीरीज रहेगी डेली में आप लोगों के साथ जो चीजें हैं जो एम सी क्यू है वो डिस्कशन में लूंगा सो so, आज सेकेंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी के जो यहां पर खबरें हैं उन्हें हम लोग कवर करेंगे ओके चलिए सब लोग आ गए हैं हेलो सो so, स्टार्ट करने से पहले गाइस देखो खुद पर विश्वास रखो रास्ते तो अपने आप बनते चले जाएंगे सो so, आप लोग बस आगे बढ़ते रहो पढ़ाई करते रहो कामयाबी धीरे धीरे आपके कदम चूमने लगेगी ओके okay, सो so, ये पिक्चर है जिससे आप लोग समझते हो कि यहां पर अगर आप अपनी नाव चला रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है आपको बस चलते ही रहना है ओके सो एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जहां पर मैं अपने डेलीफेयर शो कनेक्ट करता हूं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस पर्टिकुलर रेफरल कोड रेफरल कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलना चलिए आपके लिए आज का पहला सवाल आज का पहला सवाल लेटेस्ट करंट अफेयर से है कॉप थर्टीन से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं जिससे आप लोग क्वेश्चन देख सको और जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना चलिए जल्दी से आई एम गिविंग यू अराउंड ट्वेंटी थर्टी सेकेंड्स थिंक एंड आंसर बताइए क्या होगा इसका सही जवाब अभी रिसेंटली एशियन एलिफेंट इंडियन बर्स्टर्ड और बंगाल फॉलिकन को डिक्लेयर किया गया एज एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज एच सी एम एस कॉप नंबर थर्टीन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सेम स्टैंड ट्रू तीन स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए पहली स्टेटमेंट कहती है कि इंडिया ने डिक्लेयर किया इंडियन एलिफेंट को एज नेशनल हेरिटेज एनिमल दिस प्रोवाइड्स हाइएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन टू एनिमल अंडर शेड्यूल वन ऑफ दाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार देर आर ओनली वन फिफ्टी इंडियन ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर लेफ्ट इन आर कंट्री सिर्फ और सिर्फ वन फिफ्टी हमारे देश में बचे हैं। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि मेजोरिटी ज्यादातर जो बेंगाल फ्लोरिकॉन्स हैं वो हमारे देश में ब्रीड करते हैं आउटसाइड दियर प्रोटेक्टेड रीजन मतलब उन रीजन्स में जहां पर सरकार उनको प्रोटेक्ट नहीं करती क्या होगा इसका जवाब मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग बी और ए और सी ओके सो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा सो द करेक्ट आंसर इज डी करेक्ट आंसर इज डी किसी ने भी यहां पर डी आंसर नहीं किया दिस इज द रीजन वाई दिस पर्टिकुलर सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू आपने पढ़ा आपने समझा पर आप उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो वो ये सीरीज आपको सिखाएगी चलिए देखते हैं इसका आंसर डी क्यों है सबसे पहले पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया डिक्लेयर्ड इंडियन एलिफेंट एज नेशनल हेरिटेज एनिमल दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट हम लोगों ने नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में इंडियन एलिफेंट को डिक्लेयर किया है ओके okay. इसके साथ साथ यहां पर मेनली क्या बात हुई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात हुई बंगाल फ्लोरिकॉन्स के बारे में बात हुई तो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे दिस वॉज दी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट तो थर्ड स्टेटमेंट को हम लोग चेकआउट करेंगे कि थर्ड स्टेटमेंट कैसे सही है ओके सो गाइज आप यहाँ पर बंगाल फ्लोरिकॉन की तस्वीर देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखी होगी तो सो दिस इज बंगाल फ्लोरिकॉन एंड जो बंगाल फ्लोरिकॉन है दे आर लार्ज टेरेस्टियल बर्ड्स टेरेस्टियल बर्ड्स होती हैं ये हमारे देश में जो स्पीसीज है उसका हैबिटेट हम लोगों को फ्लड प्लेन्स ऑफ टू रिवर्स के अंदर देखने को मिल जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो फ्लड प्लेन्स हैं खासकर बंगाल वाले रीजन में वहां पर हम लोगों को बंगाल फ्लोरिकॉन देखने को मिल जाती है इनको यहाँ पर प्यार से बंगाल बर्स्टर्ड के नाम से भी जानते हैं इट इज़ अ बस्टर्ड स्पीसीज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्बोडिया एंड वियतनाम मतलब इंडिया को छोड़कर कम्बोडिया और वियतनाम में भी बंगाल फ्लोरिकॉन पाए जाते हैं इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट आउट किया गया है आई यू सी एन की red list के अंदर आई की रेड लिस्ट से रिलेटेड एक और सवाल है उस समय हम लोग समझेंगे कि सी की जो रेड लिस्ट है वो किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं तो so, की रेड लिस्ट के अंदर बंगाल आपको ये लास्ट वाली लाइन दिखाई दे रही होगी दिसाग्राफ अब यह लास्ट वाली लाइन क्या कह रहे यहां पर देखो जो फ्लोरिकॉन्स है ये बहुत सारे अनप्रोटेक्टेड लैंडस्केप में भी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं जैसे कुछ आइलैंड हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर कुछ एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड ग्रासलैंड्स के आसपास हम लोगों को देखने को मिलती हैं ओके इसके साथ साथ कुछ जगह हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंद इंडिया की और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर हम लोगों को बेंगॉल फ्लोरिकॉन्स देखने को मिलते हैं नई रिसर्च ये कहती है दिस इज दी न्यू रिसर्च न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट ज्यादातर जो पॉपुलेशन है बंगाल फ्लोरिकॉन्स की वो एग्जिस्ट करती है इन अनप्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर दिस इज द लेटेस्ट रिसर्च लेटेस्ट रिसर्च आई है उससे ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया था और ये जो लेटेस्ट रिसर्च है ये इस चीज का प्रूफ है कि यहां पर जो बंगाल फ्लोरिकॉन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड दिस पर्टिकुलर रीजन इस रीजन से बाहर तो दिस इज द रीजन थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट आई होप जिन लोगों को भी डाउट था कि तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट होगी या नहीं होगी उनको ये पता लग गया होगा थर्ड स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि नई रिसर्च आई है ओके okay. इसी के साथ साथ गाइस यहां पर हम लोगों ने इंडियन एलिफेंट के बारे में बात करी अब एमसीक्यू सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि एमसीक्यू पर आए और नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोगों ने मूव किया एमसीक्यू सीरीज का मतलब ये है आपको एमसीक्यू पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी आप लोग मेरे साथ हैंड हैंडली कवर करोगे इंडियन एलिफेंट इज अ नेटिव टू मेन लैंड एशिया हम लोगों को इंडिया नेपाल बांग्लादेश भूटान म्यांमार थाईलैंड माले पेनेसुला लाओस चाइना कंबोडिया वियतनाम इनके अंदर भी देखने को मिलते हैं एंड दिस दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट रीजनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडियन एलिफेंट पाकिस्तान के अंदर हैबिटेट देखोगे तो ग्रास लैंड ड्राई डेसिडस मोज डेसिडस रीजन एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिल जाते हैं ओके okay, आज कल जो सबसे बड़ा थ्रेट है एशियन एलिफेंट्स का अगर उनके बिल्कुल भी 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 बाकी सारे एनिमल्स का भी वो है क्लाइमेट चेंज चेंज इन हैबिटेट फॉरेस्ट जो है वह फील्ड के अंदर यहां पर कन्वर्ट हो गए ठीक है जो जो कई सारे बॉडी पार्ट हैं जिनको यहां पर बेच दिया जाता है तो वो सारी की सारी चीजें इसके साथ साथ गाइस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी ग्रेट रीजन जो एशियन एलिफेंट्स दे दे आर एज एंडेंजर्ड एंड हैव टोटल पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 50,000 मोर देन हाफ हमारे देश में इंडिया के अंदर रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया इंडियन एलिफेंट को एज नेशनल हेरिटेज एनिमल इंडियन एलिफेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड हाइएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन क्योंकि हम लोगों ने उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल वन के अंदर डाला हुआ है ओके एंड यू कैन सी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ओके द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इट इज अ बस्टर्ड जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोगों को देखने को मिलती है एक बहुत बड़ी बर्ड है हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है लॉन्ग बेयर लेग्स आप कह सकते हो इट इज दी वीएस्ट ऑफ ऑल दी फ्लाइंग बर्ड्स जितनी भी बर्ड्स उड़ती हैं उनमें सबसे हैवीएस्ट है और जो स्पीसीज है वो फॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड होती हुई नजर आती है ओके हमारे देश में जो बर्ड है वो हिस्टोरिकली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और हमारे देश के बहुत सारे रीजन्स के अंदर देखने को मिल जाती है ओके और इसको भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली लिस्ट के अंदर डाला हुआ है अब एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर इंडियन बस्टर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गई है बिकॉज कॉप थर्टीन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू दन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जिसके अंदर से ये क्वेश्चन बाहर निकला है जो मैंने आपके लिए एमसीक्यू निकाला था वो हम लोगों ने यहां पर कॉप थर्टीन से निकाला था कॉप थर्टीन कहाँ पे हो रही है ये हो रही है गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर ये कॉप थर्टीन हुई थी सेवनटीन टू ट्वेंटी सेकेंड ऑफ फेबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी और बट इज सी एम एस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ये क्लोती यूनाइटेड नेशन की टीटी है जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व करने की प्रोटेक्ट करने की यहां पर आप लोगों के लिए बात करती है उन सारे हैबिटेट में जहां पर यहां पर ये यह जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट करती हैं ओके इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं प्यार से इसे कहते हैं बॉर्न कन्वेंशन प्यार से कहते हैं बॉर्न कन्वेंशन बॉर्न एक जगह है कहां पर जर्मनी के अंदर 1979 के अंदर ये कन्वेंशन को साइन आउट किया गया था और ये इनफोर्स 1983 के अंदर आया और इंडिया इसकी पार्टी 1983 के अंदर बन गई थी ओके माइग्रेटरी स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि किसी भी कारण से खाने की तलाश में या उनको हैबिटेट सही नहीं मिल पाता या किसी भी कारण से चाहे वो एंथ्रोपोजोजिकल रीजन हो या वो नेचुरल रीजन हो किसी भी कारण से एक जगह से दूसरी जगह यहां पर शिफ्ट हो जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं माइग्रेटरी स्पीशीज कहते हैं क्लियर रेडी फॉर दी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सवाल के लिए आप लोग रेडी हो जाओ ओके okay? यस yes, बिल्कुल मैस्कॉट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल अगला सवाल जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन डॉक्स अबाउट विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से लिंक करते हुए कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही स्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट कहती है कि मेन मकसद ये कॉम्प्रीहसिव पैकेज स्कीम है जिसका मेन एम है एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं जिससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक बेहतर हो सके दूसरा सवाल आता है कि दिस इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर्स कमेंट करें ओके सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट थी दिस टू वर दी करेक्ट स्टेटमेंट चलिए कवर करते हैं यहां पर बात हो रही है एक सेंटर सेक्टर स्कीम के बारे में दो तरीके की स्कीम में हम लोग डिवीजन लेते हैं एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर स्पॉन्सरशिप देगी सेंटर स्पॉन्सर करेगी कुछ अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करेगी बाकी अमाउंट ऑफ मनी यहां पर प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट ठीक है जैसे मान लो सिक्सटी फोर्टी का रेशियो दे दिया कि सिक्सटी परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फोर्टी परसेंट स्टेट गवर्नमेंट तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाती है जब सेंट्रली सेक्टर स्कीम के बारे में बात करते हैं मतलब हंड्रेड परसेंट फंडेड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट तो संपदा स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है दो में इस स्कीम को लॉन्च किया कि जब यहां पर हमारे देश के अंदर फार्म गेट से लेकर रिटेल आउटलेट तक जब हमारे कोई भी फूड प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी पूरी देखभाल करना फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट यहां पर और कैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चल रहा है लॉजिस्टिक कैसे वर्क कर रहे हैं उन सब चीजों को हम लोग यहां पर देखते हैं ये अम्ब्रेला स्कीम को अब रीनेम कर दिया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर जिसको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट कर रही है ये कॉम्प्रीहसिव पैकेज है जिसका मेन मकसद है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग हमारे देश के अंदर क्रिएट करेंगे फॉर इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम रिटेल लाइक फ्रॉम गेट टू द रिटेल आउटलेट जहां पर एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाएंगी रूरल एरियाज के अंदर और जो वेस्टेज होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो भी कम हो जाएगा ओके okay, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके थर्ड स्टेटमेंट इज मिसिंग ओ माय गॉड ओके आई विल करेक्टेड आउट कोई बात नहीं आपने समझा चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम किसान योजना का किसान संपदा योजना का मैंने अभी आपको बताया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है इफेक्टिव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस और हमें सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाना है बल गुड्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल अबाउट द रेड पांडा रेड पांडा से रिलेटेड आज के ही न्यूज पेपर में आया है आज के ही द हिंदू का ये क्वेश्चन है जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा रेड पांडा के बारे में विच ऑफ़ द is टू रिगार्डिंग द रेड pandas? पहली स्टेटमेंट है कि चाहे वो हिमालयन रेड पांडा हो या चाइनीज रेड पांडाज हो दे वर टूगेदर कंसिडर्ड एज रेड पांडा स्पीसीज पर रिसेंटली ये आइडेंटिफाई किया गया है कि ये दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं ये दोनों स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज़ हैं दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो रेड पांडा है उनको हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं तो आपके पता होना चाहिए कि वट इज लिविंग फॉसिल इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं लिविंग फॉसिल एज दे आर दी ओनली लिविंग मेंबर ऑफ एल्यू मेमेलियन फैमिली ओके तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि आई ने रेड पांडास को क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहां पर घोषित किया हुआ है सो so आप लोग जल्दी से बताओ कि इसका यहां पर सही जवाब क्या होगा क्या होगा इसका सही जवाब सो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बी ओके सो बी और डी में थोड़ी तकलीफ हो रही है आप लोगों को बट इस सवाल का सही जवाब है बी बी क्यों इसकी वजह से रेड पांडा की आई की लिस्ट में क्या कैटेगराइजेशन है उसकी वजह से वो है यहां पर बड़ा कारण चलिए चाइना के अंदर डीएनए एग्जामिनेशन किया गया और यह देखा गया कि जो चाइनीज रेड पांडा है और जो हिमालयन रेड पांडाज हैं जिनको पहले हम लोग सेम स्पीसीज कहते थे वो अलग अलग दो डिफरेंट स्पीसीज हैं रेड पांडा को क्या कहते हैं लिविंग फॉसिल कहते हैं लिविंग फॉसिल मतलब एक उस तरीके की स्पीशीज जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स से ही जानते हैं उनसे क्लोजली रिजेंबल करते हैं उनको कहते हैं क्या लिविंग फॉसिल्स ओके फेबर ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस ने इस चीज को डिस्कवर किया कि पांडा स्पीसीज है वो असलियत में दो अलग अलग स्पीसीज है, और ये से है? ये से है। ये अगर आपने आज का द हिंदू पढ़ा होगा तो आपको यह वाली जो न्यूज है आपको मिल जाएगी ऑन दी पेज नंबर सेवन और नाइन इन दोनों में से किसी एक पेज पे, पे आपको मिल जाएगी जो चाइनीज रेड पांडा है दे आर फाउंड नॉर्दर्न म्यांमार एंड साउथ ईस्टर्न टिबेट एंड ऑफ़ चाइना, चाइना के यूनान प्रोविंस में देखने को मिल जाते हैं जो हिमालयन हिमालय पांडा है in India, Nepal, overall, और जो यालू जेंगपो रिवर है कौन सी रिवर है ये ब्रह्मपुत्रा के अपर पोर्शन को टिबेट के अंदर क्या कहते हैं यालू जेंगबू कहते हैं ओके वो जोग्राफिकल बाउंड्री है इन दो स्पीसीज के बीच में मतलब जो यालू जैंगू रिवर है उसके ऊपर आप लोगों को चाइनीज रेड पांडा देखने को मिल जाएगा और इंडियन रेड पांडा या हिमालयन रेड पांडा आपको उससे नीचे देखने को यहां पर मिल जाता है और इनको कैसे पहचानते हैं इनके फेसेस की वजह से जो हिमालयन रेड पांडा है उसके व्हाइट स्पॉट हो, स्पॉट होते हैं फेस पे मतलब व्हाइट स्पॉट ज्यादा होते हैं और जो चाइनीज रेड पांडा होता है उसके फेस पे रेड स्पॉट ज्यादा होते हैं ओके मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ ज सीधा पिक्चर चाइनीज रेड पांडा आपको रेड पोर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा आपको रेड पोर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा एंड हिमालयन रेड पांडा के अंदर आपको व्हाइट पोर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा ओके सो चाइनीज रेड पांडा हिमालयन रेड पांडा चलिए आईयूसीएन रेड लिस्ट किस तरीके से डिफाइन होती है तो लिस्ट कंसर्न नियर थेटेंड वलनरेबल एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंड यहां पर एक्सटिंक्ट इन वर्ल्ड एंड एक्सटिंग ओके आप यहां पर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर चलू हम लोग अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं चलिए अगला सवाल जल्दी बताइए वट इज दिस विस वट इज रैलडेक्स क्या है रैलडेक्स वट इज रैलडेक्स बताइए वट इज रेलडेक्स क्या है बताइए आज कवर किया था मैंने आप लोगों के साथ सो हंड्रेड परसेंट ऑफ यू आर सींग ए सब लोग कह रहे हैं कि इसका जवाब होगा ए और बिल्कुल सही बात है इसका आंसर है ए राल एक्स इज अ न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस इट इज अ टाइप ऑफ अ न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस जो एक्सप्लोजिवस होते हैं उनको डिटेक्ट करने का एक नया डिवाइस है किसने डेवलप किया है इसको डेवलप किया है डी ने और आईआईएससी बैंगलोर ने इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय डी एंड आईआईएससी बैंगलोर कैपेसिटी है इसके पास डिटेक्ट करने की दैट आर इन प्योर फॉर्म मतलब वो जैसे एक्सप्लोजिवस को बनाया नहीं गया है पर वो अभी अपने प्योर फॉर्म में है वो जिनको अगर ऐड किया जाएगा कंटेमिनेंट्स के साथ तो वो एक विस्फोटक चीज बन सकती है तो डिवाइस है उसके पास कैपेसिटी है इन डिटेक्टिंग वेरियस एप्लीकेशन सच एज नार्कोटिक्स एंड आल्सो अदर एलिमेंट्स दैट आर नॉन एक्सप्लोजिव इन नेचर सो दिस इज व्हाट रैल एक्स इज ऑल अबाउट इट इज न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइज क्वेश्चन नंबर फाइव फॉर टुडे आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानी तालिबान के साथ एक पीस डील साइन आउट की है उससे रिलेट करते हुए आपके लिए एक मैपिंग का क्वेश्चन दिस इज मैपिंग क्वेश्चन फॉर यू ऑल अफगानिस्तान से रिलेट करते हुए कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट है दो स्टेटमेंट दी हुई है आपके लिए पहली स्टेटमेंट कहती है कि एक लैंड लॉग्ड मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई एक लैंड लॉग्ड माउंटेनियस कंट्री है विद प्लेन्स इन द नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट अफगानिस्तान इज लोकेटेड क्रॉस रोड्स ऑफ साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया जो डिवीजन पॉइंट है वहां पे पड़ती है दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो पाकिस्तान से टच करते हैं साउथ में और ईस्ट में ईरान से टच करते हैं वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान से करते हैं उज़्बेकिस्तान से करते हैं तजिकिस्तान से करते हैं चाइना से करते हैं इन दी फार ईस्ट ओके सो नन इज आंसर, नन इज द आंसर नन इज द आंसर ओके ऑफिशियली यहां पर अफगानिस्तान इंडिया से भी टच करता है पर हमारा एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो कि अफगानिस्तान से टच करता है दिस पोर्शन ओके दिस इज आर आर पोर्शन सो ये वाला ये वाला जो हिस्सा है अ वेरी शॉर्ट पोर्शन वो यहाँ से इंडिया से टच करता है दिस इज पाकिस्तान दिस इज चाइना दिस इज तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान एंड अफगानिस्तान इज अ टोटली लैंड लॉक्ड कंट्री पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है ओके पूरी तरीके से एक लैंड लॉक्ड कंट्री है एंड काबुल इज द कैपिटल एंड काबुल इज ऑल्सो लार्जेस्ट सिटी अभी रिसेंटली पीस डील साइन आउट हुई है पीस डील से रिलेटेड भी आपके लिए सवाल बनाऊंगा कल आपको उसका सवाल देखने को मिलेगा आप लोग तब तक एक और क्वेश्चन सॉल्व करो दिस इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल जल्दी से जल्दी से विच ऑफ़ दू रिगार्डिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक सेलेक्ट करते हुए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट कहती है कि ए डी बी डिफाइन इट सेल्फ एज अ सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद है पॉवर्टी को रिड्यूस करना एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में और उसके लिए वो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का सहारा लेते हैं एन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ का सहारा लेते हैं और रीजनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं हेडक्वार्टर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वह कैलिफोर्निया के अंदर है आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरी करेक्ट है दोनों करेक्ट है या दोनों में से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है सही जवाब है इसका ए गाइस सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरी स्टेटमेंट इन करेक्ट है देखते हैं क्यों इन करेक्ट है पहले आपको बताता हूं कि यह सवाल क्यों आया डेली करंट अफेयर्स में क्या चीज चल रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोर मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर देने का फैसला किया है उन देशों को जिनको कोरोना वायरस इंपैक्ट कर रहा है इंडिया के अंदर भी रिसेंटली दो केस अभी देखने को मिले हैं यह बिल्कुल अभी की खबर है एक दिल्ली के अंदर एक तेलंगाना के अंदर कोरोना वायरस से रिलेटेड हमें कुछ केसेस देखने को मिले हैं ओके okay, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोर मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर प्रोवाइड करने का यहां पर फैसला लिया है तो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से यहां पर क्वेश्चन बना था ओके गाइज दिस इज ऑल अबाउट दी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ओके नाइनटीन के अंदर स्टेब्लिश किया गया था इसके जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस के अंदर एक मल्टीलेटरल लैंडिंग एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की थर्ट पे इसको बनाया गया है सिमिलर वोटिंग सिस्टम होते हैं जहां पर वोट्स डिवाइडेड है ऑन मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन ओके जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे आर मेजर डोनर्स और एडीबी बोरोस फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट विद एट्स कैपिटल एज अ गारंटी इसके साथ साथ यहां पर इंडिया के सिक्स परसेंट वोटिंग राइट्स हैं इंडिया के छह प्रतिशत वोटिंग राइट्स हैं फोर्थ हाईएस्ट है ओके जापान हैज हैज हाईएस्ट यूएसए ज सेकंड हाईएस्ट इट इज ओन बाय 67 मेंबर्स जिनमें से 48 फ्रॉम द रीजन है ओके okay, जिसके अंदर इंडिया भी है और बाकी आउटसाइड द रीजन भी है तो ऐसा नहीं है ओके मेन मकसद ये है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे एशिया और पैसिफिक वाले रीजन के अंदर ओके वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द यूरेशियन ऑटर एंड फिशिंग कैट आज के द हिंदू खबर है ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही थी आज आप लोगों के लिए बताइए क्या होगा इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूरेशियन ऑटर एंड फिशिंग कैट पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो यूरेशियन ऑटर है वो एक सेमी एक्वेटिक मैमल है नेटिव टू यूरेशिया दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो वाइल्ड कैट स्पीसीज है दे हंट ऑन ग्राउंड पर जो फिशिंग कैट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पानी में हंट करती है इसलिए उसका नाम फिशिंग कैट है इट हैज फीचर जैसे फीट वाटर रेजिस्टेंट फर जो कि वेटलैंड में थ्राइव करने में फिशिंग कैट की मदद करते हैं और तीसरी स्टेटमेंट है कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला इंडिया में यूरेशियन ऑटर का ओके okay, यहां पर कोई एविडेंस ही हम लोगों को नहीं मिला है यूरेशियन ऑर्डर का बताइए सही आंसर इसका क्या होगा वट विल बी दी करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वन एंड टू ओनली बिकॉज ये तो आज की न्यूज ही है दिस इज टूडेज न्यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा ए ऑटर हम लोगों को पहले भी इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता था वेस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न घाट्स में खासकर जो वेटलैंड वाला जो पोर्शन है बट आज हम लोगों को देखने को मिला है कहां पे? चिलिका लेक के अंदर चिलिका लेक के अंदर देखने को मिला है ओके चलिए रिसर्चर्स एक स्टडी कर रहे थे उड़ीसा के चिलिका लेक के अंदर उन्होंने यहां पर प्रेजेंस देखी है यूरेशियन ऑटर की वाइल्ड कैट स्पीसीज यूजली ग्राउंड पे हंट करती हैं पर जो फिशिंग कैट है वो वाटर में हंट करती हैं आप यहाँ पर ऑटर की तस्वीर देख सकते हो यू कैन सी दी पिक्चर्स ऑफ ऑटर ओके अब मैं आपको जो पिक्चर दिखा रहा हूं ये वाली ये है फिशिंग कैट क्या है इनको कहते हैं फिशिंग कैट जो फिशिंग कैट है वो हम लोगों को वेस्ट बंगाल के रीजन में देखने को मिलती हैं ओके okay, खासकर जहां पे वेटलैंड वाले इलाके होते हैं वहां पर हम लोगों को फिशिंग कैट्स देखने को मिलती हैं। तो फिशिंग कैट से रिलेट करते हुए और यूरेशन रिलेट करते हुए आज के न्यूज में आया है तो इसीलिए वाला मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया था चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी सवाल है आज का आखिरी सवाल है आप लोगों के लिए आज का आपके लिए लास्ट सवाल है जल्दी से बताओ विच ऑफ फॉलोइंग दूल रिगार्डिंग दर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है ओके okay. और uh, नंबरिंग कर लेना गाइड वन दिस इज द स्टेटमेंट दिस इज थर्ड स्टेटमेंट दिस इज द फोर्थ स्टेटमेंट ओके सो पहले स्टेटमेंट कहती है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज इन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ अटैच है स्पॉन्सिबल है आर्कोलॉजिकल रिसर्च के लिए कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स के लिए हमारे देश में दूसरी स्टेटमेंट कहती है यहां पर एट प्रेजेंट 3691 मॉन्यूमेंट्स देश के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है तीसरी कहती है उत्तर प्रदेश के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स है दैट इज 745 मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि एस आई सक्सेसर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिसको फाउंड किया था यहां पर केंट्री फॉर्म इन सिक्सटी वन बाय सर एलेगजेंडर कनिंगम हेल्प ऑफ देन वाइस कैनिंग बताइए सही जवाब क्या होगा इसका इस सवाल का सही जवाब है डी ऑल ऑफ दब सारी स्टेटमेंट सही हैं मैंने आपको बताया था कि बात हो रही है कि जो नंबर ऑफ मोन्यूमेंट सेंटर की लिस्ट के अंदर है स्टेट की लिस्ट के अंदर है एएसआई के अंदर है उनको शफल करने की बात हो रही है सेंटर का मेन कारण यह है कि लिस्ट से बाहर हो जाएगी तो सेंटर उनमें थोड़ी सी डेवलपमेंट वगैरह कर पाएगी एट प्रेजेंट नेशन वाइड आर प्रोटेक्टेड नंबर उत्तर प्रदेश के अंदर है लोकसभा में यहां पर मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इस चीज को बोला था इसके साथ साथ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है अटैच टू तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की और उन मॉन्यूमेंट्स को हम लोग यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट घोषित करते हैं जिनको सौ साल से ज्यादा यहां पर हो चुके हैं ओके okay, सौ साल से भी पुराने हैं वो एंड इट वॉज फाउंडेड इन एटीन सिक्सटी अलेक्सेंडर कनिंगम हु ऑल्सो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल फर्स्ट सिस्टमैटिक रिसर्च इन टू कॉन्टिनेंट रिसर्च वॉज कंडक्टेड बाई सोसाइटी जिसको फाउंड किया था ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट जिनका नाम था विलियम जोन्स ओके 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया था विलियम जोन्स ने डायरेक्टर जनरल कौन थे ए एस आई केलेक्डर कनिंगम डायरेक्टर थे और इनको ही फाउंडर के रूप में हम लोग जानते हैं कैलकाट के अंदर बेस्ड okay, है सोसाइटी सोसाइटी ओके है इट इज द स्टडी ऑफ एशियंट संस्कृत एंड पर्शियन टेक्स्ट पब्लिश्ड एन एनुअल जनरल जिसका टाइटल था एशियाटिक रिसर्चेस हो गए आपके आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कैसा लगा आप लोगों को ये वाली सीरीज हमारी नई सीरीज़ ऑन अन आर्टिकुलेट सबके क्या क्या स्कोर आए जल्दी से बताओ मुझे मैसेज करके सबका कैसा कैसा रहा स्कोर बताइए वाज योर स्कोर गाइस अपने-अपने स्कोर लिखो जल्दी से वाज योर स्कोर एट में से कितने सवाल यहां पर आपके करेक्ट हुए आठ में से कितने सवाल आप लोगों ने करेक्ट किए ओके गुड गुड गोइंग सो जब आप ये सीरीज करोगे तो क्या होगा आपका न्यूज़पेपर एक तो रिवाइज हो जाएगा ऊपर से आपको पता लग जाएगा आपको अखबार पढ़ना कैसे है क्वेश्चन की फ्रेमिंग आ जाएगी और आपने जो पढ़ा है आप उसको टेस्ट कर पाओगे तो मैं डेली मिलूंगा आप लोगों से इसी सीरीज को लेकर ओके सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर हैव अ ग्रेट डे अहेड बाय बाय टेक केयर